और इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव चूंकि चल रहे हैं और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, 25 अप्रैल को नामांकन भरेंगे अखिलेश यादव। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पहले तेज प्रताप यादव को यहां से टिकट दिया गया था लेकिन अटकलें बहुत ज्यादा थी, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा थे और अब ये बड़ी खबर जी न्यूज आपको बता रहे कि कन्नौज से चुनावी मैदान में एसपी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव वो उतर रहे हैं और 25 अप्रैल को यानी कल, 24 अप्रैल है, 25 अप्रैल यानी कल नामांकन को दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। और इससे पहले यहां पर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया था, तो कन्नौज से एसपी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की लोकसभा चुनाव पर। तो कन्नौज से एक बार फिर चुनावी मैदान में अखिलेश लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, ये बड़ी खबर जी न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है। 27 अप्रैल को कन्नौज से नामांकन भरने की खबर सामने आ रही है, भतीजे तेज प्रताप का टिकट कटा है, पहले तेज प्रताप को यहां पर मौका मिल रहा था उसके बाद टिकट कटा और अखिलेश यादव की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 2004-2009 में सांसद बने अखिलेश यादव और एक बार फिर से यहीं से चुनावी मैदान में उतरने की जानकारियां मिल रही हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, कन्नौज से फिर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव पर, यह ब्रेकिंग न्यूज। कन्नौज में एसपी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। विशाल पांडे इस खबर पर हमारे साथ हैं। विशाल, 25 अप्रैल को नामांकन करेंगे अखिलेश यादव और एकाएक फिर से अपना जो उम्मीदवार है उसको बदला है यहाँ पर एसपी ने, पहले तेज प्रताप का नाम सुर्खियों में था और अब अखिलेश यादव। देखिए बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इस बात की जानकारी मिल रही है और इसके अलावा 25 तारीख को वो अपना नामांकन भरेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर कन्नौज सीट को देखा जाए तो कई बार अखिलेश यादव इस सीट से सांसद रह चुके हैं। 2014 में डिंपल यादव की उनकी पत्नी यहाँ से सांसद थी लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव डिंपल यादव हार गई थी और अब क्योंकि दो दिन पहले ही कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव को टिकट दिया था लेकिन अब ये सूचना आ रही है कि अखिलेश यादव खुद कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और क्योंकि बीजेपी से सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे तो कन्नौज की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होती हुई दिखाई पड़ेगी। निधि, बिल्कुल इस दिलचस्प लड़ाई पर नजर रहने वाली है इन चुनावों में। विशाल पांडे, जानकारी तमाम आप दे रहे थे, शुक्रिया आपका।